बिहार के फैट मैन के नाम से जाने जाने वाले मोहम्मद रफीक, जो कटिहार जिले के जयनगर गांव के रहने वाले हैं, अपने 200 किलो वजनी शरीर के कारण सोशल मीडिया पर इन्होंने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। लेकिन इन दिनों मोहम्मद रफीक काफी परेशान है और सरकारी मदद की आस लगाए बैठे हैं। मोहम्मद रफीक और उनके परिजन बताते हैं कि मोटापा नामक उनको गंभीर बीमारी है, जिसका इलाज कराने को लेकर उनके पास रुपए नहीं है और भारी भरकम शरीर होने के कारण वह कहीं पर मजदूरी करके रुपए भी नहीं कमा सकते, जिससे वह अपना और अपने परिवार का खाने का पैसा भी जुगाड़ कर पाए। वहीं लगातार बढ़ते मोटापे से परेशान होकर मोहम्मद रशीद और उनके परिजनों ने मीडिया के माध्यम से बताया कि उनके मोटापे के कारण उनको अब खाने में भी परेशानी हो रही है, जिसके कारण अपने पिता की संपत्ति को बेचकर वह अपने और अपने पूरे परिवार के खाने का जुगाड़ कर रहे हैं। वहीं सरकारी सहायता की आस में बैठे मोहम्मद रफीक और उनके परिजनों ने बताया कि अगर उन्हें सरकारी सहायता मिले तो वह अपना इलाज करा के पतला होने की कोशिश कर सकते हैं और मेहनत मजदूरी करके खुद का और अपने पूरे परिवार के भोजन का प्रबंध भी कर सकते हैं। वहीं 200 किलो वजनी शरीर वाले मोहम्मद रफीक सरकारी सहायता की मांग कर रहे हैं। कितना वजन है? 2 क्विंटल। 2 क्विंटल कब से इस तरह का? 10 साल के बाद। 10 साल के बाद अभी क्या उम्र हो गया आपका? 32 साल। 32 साल हो गया है। तो क्या काम कर लेते हैं या चलने फिरने में दिक्कत? नहीं, चलने फिरने में दिक्कत होता है। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? मदद चाहते हैं। किस तरह का मदद? इलाज करने के लिए। मेरा बूढ़ी माँ है, मेंटेनेंस करने के लिए, परिवार को चलाने के। हाँ, अभी कैसे परिवार चलता है आपका? अभी चलता है बहुत दिक्कत है। फिर भी जैसे सरकार का अभी राशन मिलता है? सरकार तो सिर्फ आटा, गेहूं और धान, चावल देती है, तो उससे क्या मेंटेनेंस हो जाता है? नहीं, बाप का संपत्ति थोड़ा सा बेच के भी खाते हैं।